लाखों का पुण्य कमाइए, लोगों को यात्रा का वीडियो देखकर। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब। इस एक ही वीडियो में आपको बताऊंगा गुजरात के सबसे बड़े मेले के बारे में, एक ऐसी जगह जहां पर आज भी सौराष्ट्र में स्वयंवर करके लड़कियां वर चुनती हैं, एक ऐसी जगह जहां विष्णु ने अपनी आंख महादेव को चढ़ाई, पर क्यों चढ़ाई, जहां द्रौपदी का मायका है, एक ऐसी जगह जहां अर्जुन ने मछली को आंख को छेद कर द्रौपदी से शादी की, कुंड जहां स्नान करने से गंगा स्नान का फल मिलता है, भगवान शिव का तीसरा नेत्र कौन सा है, ऋषि पांचन क्या है, तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा वरना कुछ ना कुछ छूट जाएगा। त्रिनेत्र महादेव जो गुजराती में कहलाए त्रण नेत्र और फिर धीरे धीरे हो गए तरण नेत्र, श्रावण मास में 5 लाख लोगों से ज़्यादा लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। एकलौता वीडियो है यह फेसबुक के ऊपर। मंदिर के बारे में मैं कुछ नहीं जानता था, लेकिन कैसे महादेव ने रोक लिया और दर्शन करवाए वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो अभी कुंड के छींटे भी लीजिएगा। लोग अक्सर झगड़ा करते हैं कि भगवान शिव बड़े हैं या विष्णु, लेकिन हकीकत तो सिर्फ ये है कि भगवान शिव के सबसे बड़े भक्त हैं विष्णु और विष्णु भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं शिव। तो जानते हैं कि भगवान शिव को कमल क्यों चढ़ाए जाते हैं। तो भगवान विष्णु शिव जी की पूजा किए बिना खाना नहीं खाते और पूजा में वो 1008 नित्य भगवान शिव को चढ़ाते हैं। तो एक दिन वो भगवान की पूजा में बैठे थे और महादेव शिव जी ने एक कमल छुपा लिया। तब अपनी पूजा पूरी करने के लिए विष्णु भगवान ने अपने नेत्र भगवान के त्रिशूल से निकालकर शिव जी को अर्पण किए और उनकी पूजा हुई, पूरी हुई। क्योंकि भगवान विष्णु को कमल नयन भी कहा जाता है, इसीलिए अपनी आंखें चढ़ाकर उन्होंने अपनी पूजा पूरी की। ये वही मंदिर है जहाँ पर भगवान विष्णु ने अपना आंखें निकालकर, अपने नयन निकालकर त्रिशूल से भगवान शिव को अर्पण किए थे, इसीलिए इस मंदिर का नाम त्रिनेत्र, क्योंकि नेत्र चढ़ाए थे अपने यहाँ पे कहलाया। ब्रह्मा जी ने भी यहाँ पर महादेव की घोर तपस्या की थी। अभी आप परिक्रमा करिए मंदिर की। ब्रह्मा जी ने भी यहाँ पर 3 मस्तक यानी 3 सर चढ़ाए थे अपने महादेव को, इसीलिए भी इसका नाम त्रिनेत्र महादेव कहा गया है इन्हें। उसके बाद सतयुग में 78 ऋषियों ने यहाँ पर तप किया था। तो आशा करता हूँ आप भी आएंगे, तप करेंगे, ये भगवान पे चढ़ा हुआ जल ग्रहण करिए। शिवलिंग में लुप्त हो जाने पर कनव ऋषि ने तप करके फिर महादेव को यहाँ पर प्रकट किया। महादेव जब प्रकट हुए तो उनके 5 सर यानी पंचमुखी थे, 10 सात थे, 3 आँखें थी, बाई और पार्वती और राइट और गंगा जी हैं, इसीलिए यहाँ पे गंगा स्नान का पुण्य मिलता है इस कुंड में। यहाँ पर आकर लोग अपने पितरों का तर्पण भी करते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो हर हर गंगे, आगे बढ़ते हैं। भाद्रपद महीने की सूद यानी शुक्ल पक्ष में ऋषियों ने यहाँ मेले की शुरुआत की थी। तीज, चौथ और पांचम को गुजरात का सबसे बड़ा मेला लगता है यहाँ पे, जिसमें फॉरेनर्स भी आते हैं, जिसे ऋषि पंचमी भी कहा जाता है। जैसे मैंने आगे बताया था कि यहाँ पर कई ऋषियों ने तप किया था। आगे आपको अर्जुन द्रौपदी की कथा भी सुनाऊंगा और मेरे यहाँ पर आने की भी बताऊंगा, लेकिन पहले जानते हैं कि यहाँ पर मेले में होता क्या है। तो मेले में यहाँ पर खेल कूद भी होता है, जिसे कि ग्रामीण लोगों का ग्रामीण ओलंपिक्स भी कहा जाता है। यहाँ पर पशुओं का मेला भी लगता है। नक्कारी देखिए आप यहाँ की, कैसे उस समय में यहाँ पे मंदिर बनाया गया होगा। ट्रेडिशनल कपड़ों की मार्केट भी लगती है यहाँ पर, क्योंकि आदिवासी लड़के और लड़कियाँ पारंपरिक यानी काठियावाड़ी पोशाकों कपड़ों में यहाँ तैयार होकर आते हैं। और क्योंकि आज भी यहाँ पर लड़कियाँ स्वयं रचाती हैं और लड़कों को चुनती हैं, फिर उनके घर वाले उनकी शादी नक्की करते हैं। ये भूमि है इस भूमि को पंचाल प्रदेश भी कहा जाता है। पंचाल प्रदेश क्योंकि पंचाल नरेश की भूमि है। पंचाल नरेश यानी द्रुपद राजा, पंचाल नरेश की लड़की पंचाली, द्रुपद यानी द्रुपद राजा की लड़की द्रौपदी, जिससे अर्जुन ने यहीं पर मछली की आंख में छेद कर द्रौपदी को स्वयंवर में जीता था, इसीलिए यहां पर मेला लगता है और स्वयंवर रचाने की परंपरा आज भी है, जबकि पूरे भारत में ख़त्म हो चुकी है। तो ब्रह्मा जी ने यहाँ पर तप किया था, विष्णु ने यहाँ पर आंखें चढ़ाई थी,
कुंड में नहाने से गंगा स्नान का फल मिलता है। फॉरेनर आते हैं, पांडव आए थे, 88 ऋषियों ने यहाँ पे तप किया था, तो आशा करता हूँ कि आपको भी आने का समय मिल जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक बड़ा शिवलिंग है, ये जो आप देख रहे हैं ये त्रिनेत्र है, इस पर 3 आंखें बड़ी हुई हैं। इतना बढ़िया शिवलिंग के दर्शन और किसी भी वीडियो में आपको करने को नहीं मिलेंगे, तो कमेंट बॉक्स पर जाकर त्रिनेत्र महादेव की जय लिखना मत भूलिएगा। तो यहाँ एक बड़ा शिवलिंग है और एक छोटा शिवलिंग। बड़ा शिवलिंग 1000 साल पुराना है। यहाँ गंगा जी में पितृ तपन से पितरों को मुक्ति मिलती है, तो कामना करता हूँ कि आपके पितरों को भी शांति मिले। भगवान त्रिनेत्र आपके पितरों को भी शांति दे, आपकी मनोकामना पूर्ण करें और आपके पितरों को भाव बंधन के मुक्त करके मोक्ष की प्राप्ति हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मंदिर में जल चढ़ाते समय यहाँ के महाराज ने मुझे सिखाया कि जल की धारा कभी भी टूटनी नहीं चाहिए। आप चाहिए तो पहले किसी और जगह पर जल चढ़ा लें, लेकिन जब महादेव को जल चढ़ाते हो तो रोक के किसी और को जल ना चढ़ाएं। मैं इस मंदिर का प्रोग्राम बना के नहीं निकला था, ना ही इस मंदिर के बारे में जानता था। मैं तो गया था सारा मेल्डी माता के दर्शन करने और वहाँ से जाने वाला था डोलका के परपोटिया महादेव दर्शन करने के लिए। तो रास्ते में किसी ने बताया कि इतना महत्वपूर्ण मंदिर है और हाईवे पर ही है, तो मैं हाईवे पर उतर गया। पर मंदिर में इतना मज़ा आया कि जानते हुए कि आखिरी बस का समय होने वाला है, मंदिर की बस छूट गई। तो फिर रात को ना सोने का प्रबंध हुआ और ना ही कहीं जाने का प्रबंध हो पाया। तो रात को मुझे महाराज ने अपने ही कमरे में सुलाया, उन्होंने ही मुझे खाना खिलाया। सुबह महाराज के आश्रम में गौ सेवा करने का भी मौका मिला। आप भी गोदान कर सकते हैं, गौ चारा वगैरह कुछ भी दान चाहे तो कर सकते हैं। मंदिर का नंबर वीडियो मैंने आगे लिखा दिया है। तो जिस मंदिर के बारे में मैं जानता नहीं था, भगवान ने मुझे वहाँ से आगे भी नहीं जाने दिया और वहीं पर रोक लिया और ऐसे दर्शन दिए कि मन खुश हो गया। तो अभी तो आपको ना पानी साफ दिखेगा ना मंदिर में ज़्यादा भीड़ दिखेगी, क्योंकि ये मेले का समय नहीं था। महाराज ने ना रात को रुकने का पैसा लिया ना खाना खिलाने का। तो जब भी आप जाएं, पास में ही है भद्रकाली का मंदिर, नौ देवी का मंदिर, खाखरिया हनुमान मंदिर, पाप नारायण मंदिर, गुरुदत्ता आश्रम। सोमवार, श्रावण मास, प्रदोष, अमावस्या पर की बात अलग है, पर बाकी के दिनों में लेट होने पर आपको वाहन नहीं मिलेगा तो तकलीफ हो सकती है। यहाँ लिफ्ट भी हो सकता है कि ना मिले, तो हो सके तो खुद की कार या व्हीकल से ही जाएं, या जल्दी जाएं जिससे कि जल्दी आप फ्री होकर जा पाएं। कमेंट बॉक्स में त्रिनेत्र महादेव की जय अभी तक नहीं लिखा है आपने, लिखिए लिखिए लिखिए। हर हर महादेव। कुमकुमचन्दनलेपितलिङ्गं पङ्कजहारशुशोभितलिङ्गं सञ्चितपापविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गं देवगणार्चितसेवितलिङ्गं भाविर्भक्तिभिरेव च लिङ्गं दिनकरकोटिप्रभाकर तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गम् अष्टदलोपरिवेष्टितलिङ्गम् सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशितलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गम् सुरगुरुसुरवरपूजितलिङ्गम् सुरवर्णपुष्पसदार्चितलिङ्गम् परात्परं परमात्मकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गं लिङ्गाष्टकं इदं पुण्यं व्यापते शिवसन्निधौ शिवलोकमाप्नोति शिवेन सह मुदते इति श्रीलिङ्गाष्टकसूत्रं सम्पूर्णं नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर भगवान एक जन आठ कमी पूजा करता था न्याय करता था नहीं मजो भगवान एक जन आठ कम पूजा करी पशी जमता नहीं मजो पशी शिव जी के परीक्षा थी नहीं पसंद्र करने के मूलम ये विष्णु भगवान ने जमनी एक चढ़ा एक कम ने जीव के भाई कम ने नाम चढ़ा पशी जमनी एक चढ़ा ही मलिंग मार्ग पर करती है। यह चिंतनी सर महादेव के यहाँ चिंतनी करो नहीं ये बस
ત્યાંથી બધું નામ પડ્યું પ્રદેશ્વર મહાદેવ ત્યાંથી સુરેન્દ્ર ચક્ર પેટ કર્યું શિવજીએ વિષ્ણુ ભગવાન સુરેન્દ્ર પછી દ્રૌપદીનો સ્વયંભૂ અહીંયા રચાણો જે તુલસી કરું છું ને સ્વયંભૂ રચાણો દ્રૌપદીનો સ્વયંભૂ હા સ્વયંભૂ રચાણો અર્જુનની પાછળની આંખ વિધિને અહીંયા વિધિ પછી ભાદરવા મહિનામાં ઋષિ પછી એમને ગંગાજી આવે એવું ભૂલું નહીં જુનાગઢની કરે જુનાગઢને હરિદુવ ભાદરવા ઋષિ પછી એમનો મોટો મેળો ભરે પ્રખ્યાત ભારતમાં વન નંબર આવે મેળો ત્યારે સફેદ પાણી દૂધ જેવું વ્હાઈટ પાણી પબ્લિકો બહુ નાવા આવે તો પ્રખ્યાત મેળો છે ગુજરાતી આડા બધું બ્રહ્માજીનું શું છે બ્રહ્માજીનું બ્રહ્માજી એટલે બ્રહ્મ વિષ્ણુ મહેશ બ્રહ્માજી રહ્યા ને અને તપ કરતા બ્રહ્મ વિષ્ણુ મહેશ કોણ છે અને આજુબાજુમાં બધા મંદિર છે તે કયા છે એ બધા નીકળી लाखों का पुण्य कमाइए लोगों को यात्रा का वीडियो देखकर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब